हाय फ्रेंड, जी फिटनेस यूट्यूब एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस की जिनके बेस पर आप NS125 को परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे इस बाइक के कुछ ड्रॉबैक्स की, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है अगर वह आपको सही लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपको अगर मेरे द्वारा कोई पर्सनल सजेशन चाहिए हो तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोज। फ्रेंड्स, जैसा कि सभी को पता है, कोरोना इंडिया में पीक पर है जिसके कारण कम्प्लीटली लॉकडाउन लगा हुआ है। जल्द ही इस बाइक पर कम्प्लीटली रिव्यू आएगा और इसका स्पेसिफिकेशंस और डिटेल में इसके बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ इसकी टॉप स्पीड के अभी वीडियो में बनाऊंगा, जैसे कि कंडीशन थोड़ी नॉर्मल हो जाएँ और शोरूम ओपन हो जाएँ। दोस्तों, ये वीडियो मेरा पर्सनल राइडिंग के ऊपर बनाया गया है। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे फ्रेंड ही हैं वो, और उनने इस बाइक को परचेस करा हुआ है क्योंकि उनको एक अच्छी बाइक चाहिए थी NS टाइप में ही। तो मैंने ये उनको सजेस्ट करा था और उनने इस बाइक को परचेस करा, और उसी के बेस पर दोस्तों मैंने उस गाड़ी को राइड करा हुआ है। और दोस्तों यही एक उसका यह एक कारण और भी है दोस्तों, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, मेरी जो टीम है, जो कैमरा मैन है और ये सब, ये इकट्ठे नहीं हो पाए हम लोग और इस चीज़ को हम शूट नहीं कर पाए। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे फिर माफ़ी मांगता हूँ। तो दोस्तों, जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जितने भी रीजंस और जो मुझे इस गाड़ी में ड्रॉबैक लगे हैं, वह मेरी पर्सनल, हो सकता है आपको वह चीज़ पसंद आए और हो भी सकता है आप उस चीज़ को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, तो ये अपनी पर्सनल चॉइस है। तो चलिए दोस्तों, आते हैं रीज़न पर। रीज़न 7, लुक एंड डिज़ाइन। फ्रेंड्स, पल्सर NS125 का लुक एंड डिज़ाइन सेम है। अगर आप कंपेयर करते हैं NS सीरीज़ से, जनरली लो सीसी बाइक में बजाज पल्सर का लोगो लगाकर डिफरेंट डिज़ाइन की बाइक सेल करता था। एग्जांपल की बात करें तो आप ओल्ड पल्सर 135 को देख सकते हैं। वही जब से पल्सर 125 न्यून बाइक की सेल इंक्रीज़ हुई है, तब से बजाज यह जान गया है कि लो सीसी में सेम लुक देने से बाइक सक्सेसफुल बन सकती है। वही हम बात करें NS125 की, तो अगर आपका बजट अप्रॉक्स 1 लाख के समथिंग है और आप NS सीरीज़ की ही बाइक खरीदना चाहते हैं तो यह बाइक आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकती है। रीज़न 6, माइलेज। फ्रेंड्स, माइलेज को मैंने पेट्रोल के बढ़ते प्राइस को देखते हुए इस वीडियो में रखा है, और कहीं ना कहीं माइलेज बाइक परचेस करते समय इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। बात करें NS125 की, तो यह बाइक आपको अप्रॉक्स 45 KMPL से 55 KMPL तक का माइलेज दे देती है। माइलेज आपकी राइडिंग कंडीशन पर भी डिपेंड करता है, और अगर आप प्रेजेंट कंडीशन में हाई सीसी की बाइक लेते हैं तो फ्यूल कॉस्ट आपकी मनी सेविंग को इफेक्ट कर सकती है। रीज़न 5, इंजन परफॉर्मेंस। फ्रेंड्स, NS125 आपको 125 सीसी के इंजन के साथ मिलती है, जो आपको 11.83 BHP का पावर देता है। वही टॉर्क की बात करें तो 11 Nm का टॉर्क आपको देखने को मिलता है। अगर आप कंपेयर करते हैं NS125 को अदर 125 सीसी बाइक से, तो NS125 में आपको ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है क्योंकि यहाँ कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा है अदर 125 सीसी बाइक से। रीज़न 4, सस्पेंशन सिस्टम। फ्रेंड्स, अगर आप कंपेयर करते हैं NS125 को अदर 125 सीसी बाइक से, जिनका प्राइस 1 लाख के अप्रॉक्स है, तो वहाँ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने को नहीं मिलेगा। वही NS125 में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि आपकी राइडिंग को और भी कंफर्टेबल बनाता है। रीज़न 3, लो प्राइस स्पोर्ट्स बाइक। फ्रेंड्स, अगर आप सर्च करते हैं स्पोर्ट्स बाइक अंडर 1 लाख, तो आपको बहुत से कम ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बट NS125 आपको अप्रॉक्स 1,10,000 में मिल जाती है। यह इसका ऑन रोड प्राइस है। अगर आपका बजट टाइट है और आप इससे ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं तो NS125 आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकती है। रीज़न 2, फैमिली पर्पज़ बाइक। फ्रेंड्स, अगर आप ऐसी स्पोर्ट्स बाइक सर्च कर रहे हैं जो आपके फादर एंड ब्रदर भी चला सकें, तो यह बाइक आपके लिए बेस्ट हो सकती है। साथ ही साथ इस बाइक को आप मदर के साथ भी राइड कर सकते हैं। रीज़न 1, DTSI टेक्नोलॉजी। फ्रेंड्स, 125 सीसी की अदर ब्रांड की बाइक में आपको DTSI टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, क्योंकि DTSI टेक्नोलॉजी बजाज की पेटेंट टेक्नोलॉजी है। NS125 में आपको 2 स्पार्क प्लग मिल जाते हैं, जो कि फ्यूल का प्रॉपर कंबशन कराते हैं।
जिसके बेनिफिट आपको माइलेज और पावर में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव पॉइंट की, या आप इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हैं, मुझे इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट लगे हैं। हो सकता है आपको यह पॉइंट नेगेटिव ना लगे, क्योंकि सबकी पर्सनल चॉइस और एक्सपीरियंस होता है। तो दोस्तों पहला जो है पॉइंट वह है क्वालिटी। NS125 में जो क्वालिटी मिली है उसको आप NS160 और NS200 से कंपेयर नहीं कर सकते। प्राइस को मेंटेन करने के लिए बजाज शुरू से ही क्वालिटी में चेंजेस करता रहता है। मुझे इस बाइक में जो फाइबर पैनल्स दिए हुए हैं और जो जितना भी फाइबर का मटेरियल दिया हुआ है उनकी क्वालिटी लो लगी है। दूसरा है ब्रेकिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, एक स्पोर्ट्स बाइक विदाउट गुड ब्रेकिंग सिस्टम के डेंजरस मशीन मानी जाती है। बात करें NS125 स्टैंडर्ड की, तो इस बाइक में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, बट रियर में आपको ड्रम ब्रेक ही देखने को मिलता है। हाई स्पीड ब्रेकिंग में ब्रेक रिस्पॉन्सिव मुझे नहीं लगे, इस पर बजाज को और भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। तीसरा है सेफ्टी एंड ABS। NS125 में आपको CBS सिस्टम मिल जाता है, जो कि हर 125cc BS6 बाइक में देखने को मिल जाता है। NS125 में मुझे CBS सिस्टम की ज़रूरत लगी है, शायद यही कारण है कि इस बाइक के ब्रेक सिस्टम मुझे रिस्पॉन्सिव नहीं लगे। शायद बजाज जल्द ही NS125 ABS वेरिएंट भी लॉन्च कर दे। फ्रेंड, कुछ और भी इश्यूज मुझे देखने को मिले हैं, जैसे टैंक वाइब्रेशन, बट हो सकता है कि जिस बाइक को मैंने राइड करा है उसमें ही ये प्रॉब्लम हो। सभी जगह लॉकडाउन लगा है और सेफ्टी को देखते हुए मैंने इस बाइक को हाईवे पर टेस्ट नहीं किया है। अगर आप NS125 के ओनर हैं तो आप कमेंट करके और भी NS125 के बेनिफिट और ड्रॉबैक अदर व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अभी तक के आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहें। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए हो और आप जल्द से जल्द मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक हेलमेट पहनिए, सेफ्टी के साथ रहिए। जय हिंद।